बकुल क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ। मतलब हाँ, उस आदमी ने मुझसे मेरा काम छीन लिया सुजाता। बहुत बुरा किया उसने, बहुत बुरा किया बकुल उसने। क्या बुरा किया बताओ ना मुझे, क्या बुरा किया उसने? उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। तुम कुछ समझती नहीं हो सुजाता, मगर मैं इस बात की जड़ पर पहुंचा हूं। इस बात के पीछे वो दोनों औरतों का हाथ है, वो प्रिया और सुप्रिया। दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं, खून कर दूंगा उनका। आई शैल किल देम सुजाता। बकुल रिलैक्स बकुल, दे हैव रुइंड मी। ठीक है, मार देना मार देना। ठीक है, बात कर दिया मुझे उन्होंने। आओ बैठो यहां। चलना क्या करूं मैं? मारना चाहते हो ना उसे? हाँ मार देना, मगर सोचा है उसके बाद क्या होगा? तुम्हें जेल हो जाएगी बकुल, और मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। यही चाहते हो ना तुम? बकुल तुम तो हमेशा मुझे समझाया करते थे, आज तुम्हें क्या हो गया है? मेरा बकुल तो हर काम सोच समझ कर किया करता है। देखो बकुल, अगर शांति से सोचोगे ना तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ सुजाता, इसमें से क्या रिश्ता? बकुल फिलहाल तुम कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं सोचोगे। देखो तुम्हें आराम की जरूरत है, और तुम आराम करोगे। ठीक है प्लीज। तुम यहां मेरे घर में? प्रकाश वो चले जाओ यहां से। प्रकाश मैंने कहा चले जाओ यहां से, गेट आउट प्लीज। प्रकाश मुझे, अरे इसकी हिम्मत देखी। प्रकाश प्लीज, ये एक औरत है और अपने घर में आई है, और एक औरत से औरत ही तरीके से बातचीत कर सकती है। मैं इससे बात करती हूँ। अरे लेकिन सुप्रिया तुम इससे मैं बातचीत करती हूँ प्लीज। आओ बैठकर बात करते हैं। नहीं सुप्रिया, मैं यही ठीक हूँ। As you wish। कहो क्या बात है सुप्रिया? तुम जो बकुल के साथ कर रही हो वो तुम जानो। मैं तो सिर्फ यहाँ ये पूछने आई हूँ कि मेरा कसूर क्या है। डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं सोचाता, लेकिन इनडायरेक्टली सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। मैं? Of course तुम। एक औरत जिसने एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी है। देखो सुप्रिया, मैंने बकुल के साथ शादी तब की जब उसने प्रिया के साथ तलाक ले लिया था। लेकिन उस तलाक की वजह भी तो तुम ही थी ना सुजाता। यदि तुम उस शादीशुदा इंसान की जिंदगी में नहीं आती तो प्रिया को इतने दुख नहीं झेलने पड़ते, ना ही उसे अपने पापा की प्रॉपर्टी के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते। चलो यही सही, लेकिन अब तो प्रिया को अपना सब कुछ वापस मिल गया है ना, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी भी। तो फिर मुझे भी अपना सुख चैन वापस मिल जाना चाहिए ना। और सुप्रिया ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। वेल तुम मेरे दरवाजे पर आई हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी। हाँ तुम क्या कह रही थी अभी अभी? हाँ कि प्रिया को उसका सब कुछ वापस मिल गया है। हाँ लेकिन सुजाता, प्रिया को उसकी एक चीज अभी तक वापस नहीं मिली है। यदि तुम प्रिया को उसकी वो चीज वापस दे दो तो मैं तुम्हारा सुख चैन लौटा दूंगी। कौन सी चीज? प्रिया का पति। What? सुजाता तुम्हारा दिमाग खराब है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे कान तो दुरुस्त होंगे ना। क्या मतलब?
मतलब यही कि मेरे पति ने जो तुमसे कहा था कि निकल जाओ मेरे घर से, वही मैं तुमसे कह रही हूँ। एंड आई होप यू विल यू प्लीज। पिला दी चाय उसे, नाश्ता भी करा दिया होता। तुम अच्छी तरह से जानती हो किस तरह की औरत है वो, और तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती सुप्रिया। अब क्या देख रही हो मेरी तरफ, क्या देख रही है? देख रही हूँ कि आप गुस्से में कितने खूबसूरत लगते हैं। देखो मत, तुम मजाक छोड़ो। हाँ वो गई क्या? माय डियर हस्बैंड, वो उसी तरह गई जैसा आपने चाहा था। मैंने उसे गेट आउट कहकर बाहर निकाला है, लेकिन अपने तरीके से। तो फिर उसे रोका क्यों था? थोड़ा लेक्चर देने के लिए, ताकि वो भी समझ जाए कि आपकी सुप्रिया क्या चीज है। चलो जो भी हुआ ठीक हुआ। प्रकाश सब ठीक होगा, लेकिन मुझे आपके पापा से और अपने पापा से एक शिकायत है। कैसी शिकायत? दोनों में से किसी ने मुझे नहीं बताया कि प्रकाश बाबू को इतना गुस्सा भी आता है। अब तुम मुझे लेक्चर देना शुरू मत कर देना। ये तो मेरी आदत है, बताइए कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से। भाभी माँ कल वापस आ रही हैं। Excuse me. अब क्या है? देखो तुम्हें जो भी काम करना है ना उसे आज ही खत्म कर लो, कल का दिन फ्री रखना। क्यों, कल क्या? तुम्हारी बड़ी माँ है ना, वो तीर्थ यात्रा से वापस लौट रही है। अच्छा, हैं? तुमने जो सुना ठीक सुना, कल मम्मी जी आ रही है, पता नहीं कल क्या होगा। होगा क्या? तुम अपना सामान बांधकर तैयार रखना। क्यों? हम कल ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बकुल, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। सुप्रिया के केस में सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। हाँ, प्रिया का केस जिताकर वो अपने आप को भगवान समझने लगी है। और नहीं तो क्या? कैसी औरत है ये? हेलो, कैसे हो मिस्टर बकुल? तुम यहाँ क्यों फोन किया? काम की बात करो। वही तो कर रही हूँ मैं। बकुल एक बात बताओ, तुम और सुजाता कैसे हस्बैंड वाइफ हो? हस्बैंड है कि धमकियाँ देता है और वाइफ हमारे यहाँ आकर सुख चैन की भीख मांगती है। हम ऐसे ही हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? सीधे सीधे चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ अगर गलत रास्ता पकड़ा तो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरी ये बात याद रखना बकुल। सुनो, हेलो। क्या हुआ बकुल, कौन था? अरे वही सुप्रिया जी, उठपटांग बातें कर रही थी। और तुम हंस रहे हो। तो और क्या करता, अरे बेवकूफ औरत है, वो नहीं जानती सब कुछ हार जाने के बावजूद मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है। तुम देख लेना सुजाता, एक दिन यही ट्रम्प कार्ड हमारी हारी हुई बाजी फिर से जिताएगा। अरे आपको क्या हुआ, मुंह लटका क्यों खड़ी है? बात ही कुछ ऐसी हुई है, मम्मी जी के आने की खबर सुनकर राहुल घर छोड़ने की बात कर रहा है। ओह तो ये तो खुशी की बात है, इसमें मातम बनाने की क्या जरूरत है दीदी? ये तुम्हें खुशियां मनाने की बात लग रही है? ऑफ कोर्स, मैं आपकी जगह होती तो खुशियां ही मनाती ना। अब देखिए ना, मैं कब से सुरेंद्र से कह रही हूँ कि इस घर को छोड़ दो, इस घर को छोड़ दो, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। आप तो तकदीर वाली है, बैठे बैठे आपको अच्छा खासा मौका मिल गया है। बी इंटेलिजेंट।
ये भाभी कहाँ रह गए? हाँ भाभी, पूजा और इस वक्त वीरेंद्र भैया, प्रार्थना और पूजा का कोई समय नहीं होता। जब मन कहे तभी प्रार्थना करनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। सुमन, इस वक्त तुमने कौन सी प्रार्थना की है? अमित, हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। बड़ी माँ कल आ रही है। हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि बड़ी माँ कुछ ऐसी खबर लेकर आए जिसे हमारे घर की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। कुछ ऐसा करो जिसे हम सबकी चिंता दूर हो जाए। लेकिन मुझे एक बात की बहुत ही चिंता हो रही दीदी। वो क्यों? अब देखिए ना, अगर बड़ी माँ कल कोई ऐसा सबूत लेकर आ गई जिसकी वजह से इस घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो फिर बदकिस्मती से ना तो आप और राहुल भैया ये घर छोड़ पाएंगे और ना तो मैं और सुरेंद्र। सॉरी सॉरी नारायण जी, आपने मुझे याद दिलाया तो मुझे याद आया कि सुप्रिया अब मेरी बेटी नहीं, आपकी बेटी है। लेकिन मैं भी क्या करूं, वो जब छोटी सी थी ना तब से उसने मेरे लिए माँ का रोल किया है। खबरदार दीनदयाल जी, अगर आपने सुप्रिया के बारे में कोई ऐसी वैसी बात कही तो मैं आप पर मानहानि का दावा कर दूंगा। हाँ कमाल है, ये तो खूब हो गया कि आपके दोस्त भी हमारे बेटी के पार्टी वाले निकले। दीनदयाल जी, सुप्रिया है ही ऐसी कि सब उसे अपना समझने लगते हैं। अरे समझना ही चाहिए साहब, है मैं कह रहा हूँ लड़की है कितनी सियानी। अरे देखो, थोड़े से ही वक्त में सारे घर को अपना लियो है, तो अपना तो समझना ही चाहिए भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, मनोहर लाल जी, यानी कि आप भी हमारी बेटी से खुश हैं? हाँ साहब, खुश का हम तो बहुत खुश हैं। अरे भाई, आपको जो डाउट है क्यों साहब? नहीं 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 भाई, डाउट वाउट तो नहीं, लेकिन बस यूं ही पूछ लिया हमने। अब वो क्या है लाल जी? अरे मेरा कहने का मतलब है मनोहर लाल जी, आप ठहरे मामा ससुर, अगर अंग्रेजी में कहे तो डबल एमए हो जाता है। अरे हमने 10वीं पास ना करी, आप डबल एमए कैसे करा रहे हो? अरे मामा जी, मैं आपको समझाता हूँ। मा 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 मतलब एम ए एम ए, अरे ओ डबल एम ए हो गया ना। आपकी भी मजाक करने की आदत आ जाओ। नहीं, वो इसीलिए दीनदयाल जी पूछ रहे हैं कि आपको सुप्रिया बिटिया से कोई शिकायत तो नहीं है। मनोलाल जी, मौका बिल्कुल सही है, दीनदयाल जी बैठे हैं, कोई शिकायत हो तो बता दो। अरे नहीं नहीं साहब, कछु शिकायत ना है ना। लेकिन एक छोटी सी अरज है, मैं कहा कि अपनी बिटिया या वास्ते कह रहा हूँ। देखो साहब, सुंदर सुशील सुकन्या है या को का जरूरत है वो गुंडे इनसे लड़ने की? हाँ आप देख तो रहे कैसे कैसे गुंडे इनसे पंगो ले रही है जजर आप। बस इतनी सी बात है मनोलाल जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। दरअसल ये तो सुप्रिया का बचपन का शौक रहा है और आदत भी रही है। जब तक वो टेढ़े मेढ़े लोगों को सीधा नहीं करती तब तक मानती नहीं है। अब हम ही को देखो, अरे हम क्या कम टेढ़े थे, लेकिन उसने हमें भी सीधा कर दिया। अच्छा जी, तो मेरी शिकायत हो रही है, चलिए अच्छा है, घर के सारे बड़े लोग मौजूद हैं और मुजरिम भी हाजिर है। अरे नहीं नहीं बिटिया, शिकायत कौन करे वो तेरी है। नहीं नहीं, वो तो चार आदमी बैठे हैं तो गपशप है रही है, मजाक है रही है। वाकई मामा जी, आप भी नहीं कर रहे थे? अरे नहीं, देखिए मामा जी, मेरे पापा दीनानाथ अंकल और मेरे इस घर के पापा तीनों मुझे समझने लगे हैं। बस
एक आप ही हैं जो कभी कभी परेशान हो जाते हैं। लेकिन मामा जी, मैं भी क्या करूं, मैं घरेलू औरत बनकर नहीं रह सकती। घर में या बाहर मैं वही करती हूँ जो मैं ठीक समझती हूँ। अच्छा होगा कि आप भी ये बात समझ जाएं। समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। मामा जी कोई बेवकूफ थोड़ी है, सिर्फ मामा है। दीना, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। इस टाइम देखो दीनदयाल जी आए हैं, क्यों ना प्रकाश के बिजनेस की बात की जाए। सुप्रिया बेटा, तुम भी बैठो। पापा, मैं सोच रही थी मैं आप लोगों के लिए नाश्ता वगैरह लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, घर को नाश्ता नहीं, आज तो मैं इनको चंदू हलवाई के गरम गरम समोसे और बालू शाही खिलाऊंगा। मैं भी जा रहा हूँ, आप करो जी बैठ के, बाद में लाओ नाश्ता। आओ बिटिया, आओ यहाँ बैठो। लगता है लाल जी भी तुम्हें कुछ कुछ समझने लगे हैं। बकुल, तुम सुप्रिया की बात छोड़ो ना। देखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो मुझे तो बता ही सकते हो ना कि तुम्हारा ट्रंप कार्ड क्या है। अभी से जानकर क्या करोगी? एक बार बाजी हाथ लग जाए उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। नहीं बकुल, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। और देखो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना, तो मैं यही समझूंगी कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो और मुझ पर यकीन नहीं करते। कैसी बातें कर रही हो? हाँ, ये बात मानता हूँ कि कभी कभी तुम्हारी हरकतों के कारण तुम पर गुस्सा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पर यकीन नहीं है। तो फिर बताओ ना कि तुम्हारा ट्रंप कार्ड क्या है। इतनी जिद कर रही हो ना तुम। प्लीज बकुल, बोलो ना। ठीक है, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये बात किसी को नहीं कहोगी। किसी से नहीं कहोगी? बोलो। प्रॉमिस? प्रॉमिस, बोलो ना। ओके। सुजाता, तुम जानती हो प्रिया माँ बनने वाली है। हाँ हाँ जानती हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं प्रिया और उसके बच्चे को गोली मार दूँ। ऐसी गलती भूल से भी मत करना, बल्कि दुआ करो कि प्रिया और उसका बच्चा दोनों सलामत रहे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना, ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक है मेरा दिमाग। सुजाता, प्रिया को अदालत में जो कहना था वो उसने कह दिया, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा मेरा है। देखना सुजाता, एक दिन ये बच्चा ही हमारी खोई हुई दौलत को हमारे पास ले आएगा। बस मैं उसके पैदा होने का इंतजार कर रहा हूं।